कैसे हैं सुहेल भाई? माशाल्लाह अच्छे हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। वेलकम बैक अनदर ब्रांड न्यू व्लॉग। तो यार सुबह के हो रहे हैं ऑलमोस्ट 7 बज रहे हैं अभी। यार उठा हूँ तो खबर मिली है कि ना छोटी मेरी बहन जी है, वो 6 क्लास में पढ़ रही है, तो उन्हें क्लास जाना है, ड्रॉप करना है तो से सिटी स्कूल जा रही थी। वो पहले तो ना कोई कैरी डब्बे वाला होता था वो ले जाता था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अभी पता चला है कि ना उनका कोई रिलेटिव के वफात हो गया, दैट्स वाई अब मुझे जाना है तौसा सिटी अपनी छोटी भांजी को स्कूल पहुंचाने के लिए। तो भैया कुछ तैयार होते हैं, नहा लेते हैं, उसके बाद नाश्ता करते हैं, तो उसके बाद इंशाल्लाह चलते हैं तौसा सिटी। तो जाकर आपको बताएंगे कि नेक्स्ट सीन क्या है। तो इससे पहले आ जाना, को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, डाल सकते हैं बेल आइकन। तो वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट किए। तो भैया मैं नहा भी चुका हूँ, आप देख सकते हो। अब यार कंघी वगैरह करते हैं ना, तो उसके बाद इंशाल्लाह नाश्ता करते हैं। नाश्ता करने के बाद अब चलते हैं सीधा तौसा की जानब। तो भैया यार नाश्ता भी कर लिया, आप बाइक को स्टार्ट करते हैं, उसके बाद सीधा चलते हैं। अबे स्टार्ट हो जा। अच्छा हो गया यार। तो भैया स्टार्ट हो गई है, एक मिनट के लिए इसे गर्म करते हैं क्योंकि सर्दियाँ हैं, तो उसके बाद चलते हैं। तो भैया ट्रैवलिंग स्टार्ट हो गई है, तो रोड भी देख सकते हो अभी खाली है, क्योंकि यार सुबह सवेरे का टाइम है, कोई भी नहीं आ रहा। एक तो मोटरसाइकिल या बाइक कुछ दिखाई देगी, और सूरज भी देख सकते हो, सूरज भी निकल चुका है सामने। तो भैया जब तक मैं पहुंचता हूँ ये सामने वाला, आप सीन एंजॉय करो। तो भैया देख सकते हो कि हम तौसा सिटी भी पहुंच चुके हैं अभी। यार पहले ना हम अपनी जो कि भांजी है उसे ड्रॉप करेंगे, उसके बाद जो कि मैं अपने दोस्त हैं कुछ उनके पास जाएंगे। मे बी वो सो रहे हों, क्योंकि यार आज सुबह 7 का टाइम है, तो मे बी वो सो रहे हों, लेकिन चलते हैं फिर वहां जाकर देखते हैं कि क्या सीन है। तो भैया अब यार मैं ना तौसा सिटी पहुँच चुका हूँ, तो जब भी तौसा आता हूँ ना, तो अपने दोस्त हैं भी हैं, फेलो भी हैं, रूममेट भी हैं बहुत से रिश्ते हैं इनके साथ, इनके साथ तो ज़रूर मिल कर जाता हूँ। लेकिन सुबह सवेरे आया तो इन्होंने कहा यार मैं तो स्कूल जा रहा हूँ, कि क्या करने, कहता है मैं पढ़ाने जा रहा हूँ। तो भैया ये तो जाएंगे पढ़ाने, तो अभी यार कुछ नाश्ता वगैरह करते हैं, पेट पूजा करते हैं। सैफ भाई आप सुनाओ। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक हैं भाई। सुहेल भाई आ गए सुबह सुबह, देखकर खुशी हुई, क्योंकि हॉस्टलाइज भी हॉस्टल भी साथ होते थे डी जी खान में, जब BS इंग्लिश कर रहे थे हम, तो मिलकर सुहेल से खुशी हुई है। तो अब हम करते हैं नाश्ता, अगर नाश्ता करना है तो आ जाए सर भाई। तो भैया ये देख सकते हो चावल छोले आ चुके हैं, कुछ पेट पूजा करते हैं। मज़ेदार है यार। कैसे हैं सुहेल भाई? माशाल्लाह अच्छे हैं यार। तो भैया अगर खाने हो तो आ जाओ, फिर हम खा लेंगे। तो भैया पहले चलते हैं यार ये साहब भाई को ना ड्रॉप करते हैं, उसके बाद कहीं और चलते हैं काम के लिए। तो भैया यार अब ऑलमोस्ट टाइम हो चुका है 11 का, तो यार अब 11 ऑलमोस्ट बजने वाले हैं, तो मैं ना अभी जाना है स्कूल, अपनी बाजी को पिक करना है। तो यार पहले जाते हैं पिक करते हैं, तो उसके बाद इंशाल्लाह हम जाएंगे अपने घर। तो फाइनली यार जो कि ना अपनी भांजी को भी पिक कर लिया, अब हम जा रहे हैं अपने घर की जानब। तो सामने आप रोड भी चेक कर सकते हो, आप ट्रैफिक वगैरह आ चुकी, क्योंकि ऑलमोस्ट 11 का टाइम है। तो ये देख सीन देख सकते हो क्या सीन है। अब ऑलमोस्ट यार मुझे 10 मिनट्स लगेंगे घर तक पहुंचते हुए, क्योंकि तौसा सिटी से मेरा घर इतना दूर नहीं है, ऑलमोस्ट 10 या 15 किलोमीटर होगा, तो इतना टाइम नहीं लगता बाइक पर। तो जब तक यार मैं पहुँचता हूँ आप सामने वाला सीन इंजॉय करो।
तो भैया यार मैं तो से तो वापस आ चुका हूँ, जो कि छोटी भांजी को ना वो पिक कर लिया है। अब यार यहाँ पे डेयरी फार्म में आया हूँ, तो एक न्यू गाय ली है। मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों को दिखाऊं कि किस तरह की गाय है। तो पीछे चेक कर सकते हैं, माशाल्लाह ये यार आलमोस्ट कितने पैसे गई है तो नहीं कन्फर्म, लेकिन दो दिन हो गए हैं ये न्यू गाय ला कर आए हैं। तो इसका बच्चा भी आपको दिखाता हूँ, बेबी कैसे होते हो समझ लो। तो ये है भैया पीछे छोटा सा इनका बच्चा। तो मैंने सोचा क्यों ना यार इस आपको भी दिखाएं कि किस तरह का सीन है। तो ये अभी यार ऑलमोस्ट ना दो दिन पहले हमने ना एक मंडी होती है यहाँ हमारे इलाके के नज़दीक पोल कंबर है मेरे ख्याल में, वहाँ पे मंडी आए तो वहाँ से ये ख़रीद कर लाए हैं। तो माशाल्लाह अच्छी गए, अल्लाह इसमें बरकत दे। तो आप लोगों ने लिखना है आमीन। तो यहाँ तो पहुँच चुका हूँ, ये भी पीछे देख सकते हो क्या, ये भी अच्छी है माशाल्लाह। पीछे ये क्या, ये मेरे ख्याल में सो रहे हैं क्योंकि इन्हों खाना वगैरह तो चारा वगैरह खा लिया है ना, अब सोने का टाइम है। तो भैया मेरे ख्याल में ना आज की वीडियो को यहीं पे हम कर लेते हैं एंड। तो उम्मीद है आप सबको यार वीडियो अच्छी लगी होगी।